हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे थे अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। अल्कोहल एंड फिनॉल्स में अभी तक हम लोग पढ़े हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स एंड प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। तो गाइस, आइए हम लोग पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स और जानते हैं क्या है। देखिए, सबसे पहले हम आज चर्चा करेंगे इनके अल्कोहल्स। अल्कोहल्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, आर बॉन्ड OH, और फिनॉल्स में क्या पढ़ रहे हैं, C6H5 बॉन्ड OH। इनकी कार्बन संख्या ज्यादा होती है यहां पे। तो फिनॉल की प्रॉपर्टी जो होती है वो कार्बन की संख्या ज्यादा होने से इनकी सॉल्युबिलिटी भी कम होती है वाटर में। इनकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है किसका, जिसकी कार्बन की संख्या कम होती है। जितना कार्बन संख्या बढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी उतना ही कम होगा। तो इन दोनों के इस कार्बन की संख्या इसका कम हो सकता है, अधिक हो सकता है। लेकिन फिनाइल में चूंकि ये फिक्स्ड है, कार्बन छह कार्बन होगा तो छह कार्बन होगा। तो जब हम ये बात बताएं आपको कि जब कार्बन की संख्या ज्यादा है तो आप वहां पे फिनॉल को भी दिमाग में ले लेंगे कि फिनॉल पे उस केस में फिट बैठेगा। लेकिन जब कार्बन की संख्या कम बात करें उसमें फिनॉल फिट नहीं बैठेगा, इसलिए पहले दिमाग में इस बात को रखना पड़ेगा। दूसरी बात, चूंकि ये अल्कोहल है तो ये निश्चित तौर पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं और इनकी सारा प्रॉपर्टी जो हम लोग पढ़ेंगे मेनली दो ही प्रॉपर्टी जिसमें एनसीईआरटी वगैरह में भी दिए हुए हैं चाहे कहीं भी है, और दो ही प्रॉपर्टी ज्यादा हम लोगों को डिस्कस करना है, सॉल्युबिलिटी इन वाटर एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो ये दोनों डिपेंड करता है किस पे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्या। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ना था और ये क्या है थोड़ा सा एक बार डिटेल हम लोग जान लेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है। सीधे कहता है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फोन एफ ओ एन, यहां मैं अब लिख दूं तो फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, तो इनपे हम लोग पार्शियली निगेटिव और इनपे हम लोग पार्शियली पॉजिटिव होते हैं। दोनों के बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है जिसे हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग नाम देते हैं। यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे बनता है और समझिए इनका केसेस क्या है। केस को समझना ज्यादा जरूरी है, इनकी कंडीशन समझिए इनका क्या कंडीशन है जिस कंडीशन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाया गया है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने के लिए फ्लोरीन और फिर हाइड्रोजन का होना अनिवार्य है। लेकिन जब यह हाइड्रोजन किसी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से जुड़ा रहेगा तभी ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। लेकिन ये हाइड्रोजन किसी फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से जुड़ा होना चाहिए, नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन इनके बीच ये डॉटेड लाइन दिखा रहे हैं जो बताता है कि इनके बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो होगा ये फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जुड़ा होना चाहिए। ये बात आपके दिमाग में पहले एकदम फिट बैठ जाना चाहिए कि हाइड्रोजन जो है जिसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भाग लेता है वो हाइड्रोजन किसी फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से डायरेक्ट लिंक्ड होना चाहिए तभी बनेगा। ये कभी भी नहीं बन सकता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये सब बनेगा ये कभी भी नहीं बन सकता है तब जब यहां मान लो कि फ्लोरीन हो ऑक्सीजन हो नाइट्रोजन हो और यहां पे आप शो कर दिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन अगर ये हाइड्रोजन किसी कार्बन सल्फर फास्फोरस अदर एलिमेंट मैंने इन तीनों को छोड़कर फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन को छोड़ दिया जाए तो कार्बन सल्फर फास्फोरस अदर एलिमेंट से अगर ये लिंक्ड है तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कतई नहीं बनेगा, ये पॉसिबल नहीं है।
इस बात को पर ध्यान रखें कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने के केस क्या है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तभी बनते हैं जब हाइड्रोजन किसी फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन पर उपस्थित हो। जैसे मान लीजिए कि हमें अगर वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाना हो तो हम क्या करते हैं, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाना हो तो वाटर का एक मॉलिक्यूल्स फिर वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल्स, तो इस प्रकार इस ऑक्सीजन पे पार्शियली निगेटिव, हाइड्रोजन पे पार्शियली पॉजिटिव, इधर पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन पे, इधर ऑक्सीजन निगेटिव होता है। इन दोनों पॉजिटिव और निगेटिव के बीच एक अट्रैक्शन फोर्स कार्य करता है, इस हाइड्रोजन पे क्रॉस दिखा सकते हो तुम, इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है। हमारा अल्कोहल है इथाइल अल्कोहल, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा R बॉन्ड OH, फिर दूसरा लेंगे H बॉन्ड O R। अब यहाँ देखिए इन दोनों के बीच एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएंगे, चूंकि एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दूसरा हाइड्रोजन, लेकिन ये हाइड्रोजन किसी कार्बन पे नहीं है, ऑक्सीजन पर ही है। अगर ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे नहीं रहता तो ये पॉसिबल नहीं होता, तो इस प्रकार ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। पहले तो ये समझना जरूरी था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे बनता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने के रीजन क्या है। ये तभी बनेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ हाइड्रोजन नजदीक आएगा। दूसरी केसेस क्या है कि हाइड्रोजन को किसी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर उपस्थित होना अनिवार्य है, वो कोई भी हाइड्रोजन, ये कोई जरूरी नहीं है कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है वो फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है कि नाइट्रोजन है। यहां पे ऑक्सीजन है तो यहां पे ऑक्सीजन होना अनिवार्य नहीं है, यहां पे फ्लोरीन भी हो सकता है नाइट्रोजन हो सकता है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। पहला टॉपिक हमारा होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज का सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी यानी कि वाटर में जाना है, तो सॉल्युबिलिटी होने के लिए क्या है, वाटर के केस में सॉल्युबल होने के दो मेन पार्ट्स होते हैं, दो मेन पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरा पार्ट होता है यहां पे आयनिक होना, पोलर होना। ये दो पॉइंट्स ऐसे हैं जो दर्शाता है कि ये वाटर में सॉल्युबल है, यानी कि सॉल्युबल, सॉल्युबिलिटी इन वाटर। वाटर में सॉल्युबिलिटी होने के दो रीजन होते हैं, या तो उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग होना होगा या तो वो पोलर होगा, तीसरा कुछ नहीं बनता है। तो ये दो रीजन किसी में अगर है किसी भी कंपाउंड में तो वाटर में वो सॉल्युबल होगा। हमारा अल्कोहल जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है और पोलर भी है, इसलिए वो हाईली सॉल्युबल होता है किसमें, वाटर में। तो इसलिए हम लोगों को यहाँ पे इस बात को ध्यान देना होगा कि सॉल्युबिलिटी का ये रीजन पहले समझना होगा, है ना, सॉल्युबिलिटी इन वाटर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग पहला रीजन क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दूसरा रीजन क्या होगा, दूसरा रीजन क्या होगा इसका, सेकेंड रीजन होगा पोलर या पोलरिटी, इसको अपनोट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्युबिलिटी इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल होने के दो रीजन होते हैं, फर्स्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सेकेंड पोलरिटी। ठीक है, अब आइए देखते हैं हमारा जो अल्कोहल है ये दोनों का होता है, तो सॉल्युबिलिटी पहले देखते हैं क्या होता है। सॉल्युबिलिटी को जानने के लिए हम थोड़ा सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ही लेते हैं। तो अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है R बॉन्ड O H, फिर यहां पे H बॉन्ड O R, तो यहां पे पार्शियली निगेटिव, पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली निगेटिव। तो ये क्या होगा, इन दोनों के बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ये तो मैं बताया वाटर, ये अल्कोहल। अब एक बात करते हैं वाटर के साथ ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे बनती है। तो ओ बॉन्ड आर, इसको ऐसे बताते हैं आर बॉन्ड एच। तो वाटर ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है,
ऑक्सीजन के पास कितने लोन इलेक्ट्रॉन है, दो। तो एक बार यहां से हाइड्रोजन किसका, यहां से हाइड्रोजन जो है ये वाटर का हाइड्रोजन ये हार्मोनिक बनाता है, और एक बार यहां से वाटर का हाइड्रोजन जो है वो हार्मोनिक बनाता है। तो यहां पे जो है दो हार्मोनिक ये बन गया, और यहां से एक ऑक्सीजन जो है ये हार्मोनिक बनाता है, ये ऑक्सीजन। यहां से ये हार्मोनिक बनाता है। तो इस प्रकार जो है अल्कोहल से तीन वाटर मॉलिक्यूल्स वन, वाटर मॉलिक्यूल्स दो, वाटर मॉलिक्यूल्स तीन, तीन वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड होकर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, इसलिए इनकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है। तो मैं बात करूं अगर कि ये मोर सॉल्युबल होते हैं तो क्लियर हो गया, लेकिन सॉल्युबिलिटी पे थोड़ा सा और हम लोगों को फोकस करना है। CH3OH, CH3OH के बाद CH2, CH3, CH2OH, फिर यहां पे CH3, CH2 और CH2OH। क्या देख रहे हैं, क्या अल्काइल ग्रुप बढ़ रहा है, क्या ये सॉल्युबिलिटी को प्रभावित करेगा, बिल्कुल प्रभावित करेगा। मैं बात करूं अगर तो यहां पे हाई सॉल्युबल ये होगा, क्योंकि इसमें अल्काइल ग्रुप कम है, ये क्या होगा, हाईली सॉल्युबल होगा, ठीक है, इथाइल अल्कोहल ये भी हाईली सॉल्युबल होगा, लेकिन ये सॉल्युबल हो, हाईली सॉल्युबल नहीं हो, ध्यान देंगे ये सॉल्युबल है, हाईली सॉल्युबल नहीं है, हाईली सॉल्युबल दो है। होता क्या है कि ये वाला पार्ट जो है अल्कोहल का, ये वाला पार्ट जो देख रहे हैं आप, ठीक है, यहां पे मैं दिखाता हूं, यहां पे ध्यान दीजिए, अल्कोहल का ये वाला पार्ट है, इसको कहते हैं हम लोग हाइड्रोफिलिक पार्ट, हाइड्रोफिलिक पार्ट, और अल्काइल वाला पार्ट जो है दिस इज कॉल्ड हाइड्रोफोबिक पार्ट, हाइड्रोफोबिक पार्ट, हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक। तो जितना हाइड्रोफिलिक मतलब क्या होगा, जो वाटर से स्नेही होता है, वाटर के साथ जुड़ना चाहता है, वाटर लविंग होता है, वाटर को प्यार करता है, वाटर को चाहता है, कौन, हाइड्रोफिलिक। तो ये हुए जो है वाटर को प्यार करता है, तीन वाटर जोड़ लिया उनसे। लेकिन जो अल्काइल ग्रुप है ये हाइड्रोफोबिक है, ये दूर भगाता है ना, वो हेटिंग ग्रुप है, उसको दूर हटाएगा, ठीक है, ये घृणा करता है उसे, कौन, हाइड्रोफोबिक पार्ट। जितना ज्यादा ये हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ेगा उतना ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी, जितना ज्यादा हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ेगा उतना ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। तो जैसे अल्काइल ग्रुप बढ़ते हैं उससे सॉल्युबिलिटी कम होता है। तो यहां पे दो पॉइंट्स हमको मिलते हैं, पहला पॉइंट ये मिलता है फर्स्ट नंबर में, इसमें किसमें, सॉल्युबिलिटी में, पहला पॉइंट ये मिलता है कि अल्कोहल सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, सेकेंड आप देखते हैं, सेकेंड नंबर पॉइंट, फर्स्ट हो गया, सेकेंड नंबर पॉइंट, इंक्रीजेज द अल्काइल ग्रुप क्वेश्चन बॉन्ड आर
ठीक है, डिक्रीजेज द सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल्स ठीक है, अल्कोहल्स इन वाटर बिकॉज जाने के यहां बताए लिख भी देते हैं बिकॉज इंक्रीजेस द हाइड्रोफोबिक पार्ट इंक्रीज द हाइड्रोफोबिक पार्ट डिक्रीजेज द स्ट्रेंथ डिक्रीजेज द स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ ऑफ डिक्रीजेज द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीजेज द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझिए इसको. इंक्रीजेस द अल्काइल ग्रुप दैट मीन्स हाइड्रोफोबिक पार्ट डिक्रीजेस द सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल्स ठीक है, डिक्रीज करेगा. साथ में एक और बात होता है कि बिकॉज इंक्रीजेस द हाइड्रोफोबिक पार्ट, क्योंकि आर जो है ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है, ये जब इंक्रीज करेगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की क्षमता जो है, स्ट्रेंथ जो है, वीक पड़ जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा, इसलिए इसकी सॉल्युबिलिटी घट जाती है. दो पॉइंट्स याद रखने हैं हम लोगों को, अल्कोहल सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पहला पॉइंट, इसलिए अल्कोहल सॉल्युबल है. दूसरा पॉइंट क्या है, इंक्रीजेस द अल्काइल ग्रुप डिक्रीजेस द सॉल्युबिलिटी इन अल्कोहल्स इन वाटर बिकॉज इंक्रीजेस द हाइड्रोफोबिक पार्ट डिक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक है, नोट कीजिए जल्दी दोनों को. इसका सेकंड नंबर बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ समथिंग, तो बॉइलिंग पॉइंट भी डिपेंड करता है उसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे. इसमें भी कई केसेस आते हैं, मैं फर्स्ट नंबर लिख रहा हूं उसको समझिए. फर्स्ट नंबर मैं ये बता रहा हूं कि बॉइलिंग पॉइंट इसका क्यों पड़ता है. मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं समझिए, द बॉइलिंग पॉइंट को शॉर्ट फॉर्म में भी लिखते हैं, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल्स इज ग्रेटर देन कंपेरेबल मोलर मास ऑफ अल्केन एंड इथर्स. सबसे पहला पॉइंट समझिए कि अल्कोहल्स की बॉइलिंग पॉइंट जो है वो अल्केन और इथर से ज्यादा होता है, उस तरह के मोलिकुल्स भी नहीं जिसका मोलिकुलर मास कंपेरेबल हो, मतलब लगभग बराबर. ऐसा क्यों होता है समझिए, क्योंकि अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है. ठीक है, क्योंकि अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, यहां मैं लिख रहा हूं बिकॉज
बिकॉज अल्कोहल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि अल्कोहल जो आयरन बॉन्डिंग बनाता है। तो क्या होता है ऐसा आयरन बॉन्डिंग बनाने से कि ये इसकी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा देता है आयरन। मान लो सेम मोलर मास हो C2H6O, चलो C2H6O यहां पर देखोगे तो C2H5OH, ठीक है, और फिर मैं ले रहा हूं यहां पे CH3O बॉन्ड मिला है, तो दो कार्बन, पांच एक छह हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, यहां पे तीन तीन छह हाइड्रोजन, दो कार्बन, छह हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, बराबर है। अब दोनों की तुलना करने में जरा आसान, यहां पे हो गया C2H5OH, फिर एक और लेते हैं हम लोग दो मोल अल्कोहल, दोनों के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा, यहां देखिए इथर लेते हैं CH3O बॉन्ड CH3, फिर CH3O बॉन्ड CH3। अब आप बताओगे कि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा, नहीं बनेगा, इसमें बनेगा माइनस प्लस, माइनस प्लस, पार्शियली नेगेटिव, पार्शियली पॉजिटिव, यहां भी पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली नेगेटिव, पार्शियली नेगेटिव, पार्शियली पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन यहां पे एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना है, लेकिन यहां पे कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना है, यहां पे वैन डर वाल फोर्स काम कर रहे हैं जबकि यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग काम कर रहा है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग होता है वैन डर वाल फोर्स से, वैन डर वाल फोर्स से ज्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है। दोनों मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, वांडरवाल भी मॉलिक्यूलर फोर्सेस है। यहां पे वांडरवाल फोर्स काम कर रहा है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन काम करेगा, दोनों के बीच एक के इंटरेक्शन फोर्सेस काम करेंगे, ठीक है। तो ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन काम करेगा, दैट इज कॉल्ड वांडरवाल फोर्स, ये वांडरवाल फोर्स काम करेगा। लेकिन अल्कोहल में हमारा कौन सा फोर्स काम कर रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गर देन वांडरवाल फोर्स, ड्यू टू दिस अल्कोहल्स इज अल्कोहल्स हैव more boiling point compared to ethers, clear? Alcohols की boiling point ज़्यादा होती है ये ether की तुलना में, ये van der Waals force को रखता है जबकि ये hydrogen bonding को रखता है, clear है बात है? तो ये concept first था, first number boiling point को पहला point था कि alcohol की boiling points ether और alkene से ज़्यादा होती है, क्यों ज़्यादा होती है वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है? Note कीजिए, next points के चलते हैं इसका। बॉइलिंग पॉइंट पे ही हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे क्या होता है, ओके? चलिए मिटा देते हैं। अब जानेंगे हम लोग इसमें सेकंड पॉइंट्स है, वो क्या कहता है? सेकंड पॉइंट्स कहता है इंक्रीजेज द increases the alkyl group increases the boiling point of alcohols। ऐसा क्यों होता है? अभी मैंने बताया कि जितना ज्यादा अल्काइल ग्रुप बढ़ेगा उतना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होगा। जब यहां कह दिया गया कि अल्काइल ग्रुप बढ़ेगा तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगी, ये तो कुछ हजम नहीं हो रही है ना। आइए इसको हजम कराते हैं। कारण क्या है कि यहां पे दोनों ही फोर्सेस काम करते हैं, जिसमें देखेंगे CH3OH से ज्यादा
बॉइलिंग पॉइंट होगी C2H5OH3 से ज्यादा C3H7OH, मैं नॉर्मल में बात कर रहा हूं, CH2OH। तो जितना ज्यादा ये अल्काइल ग्रुप बढ़ेगा उतना ज्यादा इसकी बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगी, क्योंकि मोलिकुलर मासेस बढ़ता है, बिकॉज इंक्रीजेस द मोलिकुलर मासेस, याद रखिएगा, बिकॉज इंक्रीजेज द मोलिक्यूलर मास, मोलिक्यूलर मासेस ऑफ अल्कोहल्स एंड इंक्रीजेज इंक्रीजेज द सरफेस एरिया। एक और बात समझिए यहां पर, इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ही बढ़ रहा है, इंक्रीजेस द सरफेस एरिया, सो इंक्रीजेस इंक्रीजेस इट्स वंडरवाल इंक्रीजेस इट्स वंडरवाल फोर्स। तो जैसे जैसे इसका अल्काइल ग्रुप बढ़ेगा वैसे वैसे वंडरवाल फोर्स बढ़ते हैं, इसलिए मोलर मास भी बढ़ता है, इसलिए इसका अल्काइल ग्रुप बढ़ने के साथ इसकी बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ती है। समझ आ गया बात, बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ती है, इसका रीजन मैंने बताया आपको कि जैसे जैसे इसका अल्काइल ग्रुप बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी वंडरवाल फोर्स बढ़ेंगे, क्योंकि इसका सरफेस एरिया बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ता है तो वंडरवाल फोर्स भी बढ़ता है। नोट कर लिया जाए, थर्ड रीजन मैं इसका बताता हूं बॉइलिंग पॉइंट पे किस तरह बेटा, थर्ड रीजन क्या है, तीसरा रीजन बता है इसमें थर्ड नंबर में, ध्यान देंगे यहां पर, थर्ड नंबर थोड़ा और स्पेशल है, कहता है कि इंक्रीजेस द ब्रांचेज ऑफ अल्काइल ग्रुप इन अल्कोहल्स इंक्रीजेस द ब्रांचेज ऑफ अल्काइल ग्रुप्स इन अल्कोहल्स डिक्रीजेज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अब ये क्या है, यहां पता है कि ब्रांचेज अगर बढ़ेंगी तो अल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट घटेगी, बिकॉज डिक्रीजेज इट्स सरफेस एरिया डिक्रीजेज इट्स सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया घट रहा है अल्काइल ग्रुप का, बिकॉज डिक्रीजेज
यहाँ इट्स हटा देते हैं बिकॉज डिक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ अल्काइल ग्रुप एंड डिक्रीजेस द वांडरवाल फोर्स ये देखिए यहां पे पता थी कि उस सेकेंड और थर्ड में थोड़ा सा है वहां था कि अल्काइल ग्रुप बढ़ रहा है किससे नॉर्मली बढ़ रहा था नॉर्मल चेन में जिससे अल्काइल ग्रुप बढ़ते हैं वैसे उसकी बायोपॉइंट बढ़ रहा था बिकॉज इंक्रीजेस द सरफेस एरिया यहां पता है कि ब्रांचेज अगर बढ़ रहे हैं तो ब्रांच बढ़ने से क्या होता है पहले वाले टर्म से ये थोड़ा सा जुड़ा हुआ सेकंड में क्या था कि जैसे अल्काइल ग्रुप बढ़ रहा है वैसे वैसे उसकी नॉर्मल में था जैसे अल्काइल ग्रुप नॉर्मल चेन में बढ़ रहा है वैसे वैसे उसकी बॉइलिंग पॉइंट रेट इंक्रीज करता था बिकॉज सरफेस एरिया इंक्रीज करता था यहाँ पे क्या कि ब्रांचेस जब बढ़ेंगे तो सरफेस एरिया डिक्रीज करेगा सरफेस एरिया डिक्रीजेज करेगा तो उस तरह से डिक्रीजेस द वांडरवाल फोर्स भी घटेगा इसलिए बॉइलिंग पॉइंट भी घटेगा आइए देखते हैं आप एग्जाम्पल में मान लो कि हम यहां लेते हैं नॉर्मल ब्यूटेन CH3, CH2, CH2, CH2OH नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल है 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 चार कार्बन है नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल है अब लेते हैं यहां पे CH3, CH2, CH3OH आइसोब्यूटाइल अल्कोहल माने 1 डिग्री अल्कोहल है 2 डिग्री अल्कोहल में चले गए अब चलते हैं 3 डिग्री अल्कोहल में CH3COH बॉन्ड CH3 यानी ये हो गया आपका 1 डिग्री ब्यूटेनॉल ये हो गया आपका 2 डिग्री ब्यूटेनॉल और ये हो गया आपका 3 डिग्री ब्यूटेनॉल ब्रांचेस बढ़ रहे हैं तीनों ही ब्यूटेनॉल है लेकिन ब्रांचेस बढ़ रहे हैं तो सरफेस एरिया क्या हो रही है सरफेस एरिया घट रही है इसलिए इनकी बॉइलिंग पॉइंट भी घटेगी इनकी बॉइलिंग पॉइंट क्या है मैं बता रहा हूं इनकी बॉइलिंग पॉइंट और इन तीनों की बॉइलिंग पॉइंट फिक्स्ड है और मैं उसको बता रहा हूं यहां पे देखिएगा 118 डिग्री सेल्सियस होता है कितना होता है लगभग 118 डिग्री सेल्सियस इसका नॉर्मल जो है नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल है 118 इनकी बॉइलिंग पॉइंट 99 डिग्री सेल्सियस है इनकी बॉइलिंग पॉइंट देखिए डिग्री सेल्सियस में 99 डिग्री सेल्सियस है जबकि इनकी बॉइलिंग पॉइंट 83 है इतना घट रहा है 83 डिग्री सेल्सियस तो क्या हो रहा है जैसे जैसे इनकी ब्रांचेस बढ़ रहे हैं वैसे वैसे इनका वांडरवाल फोर्स कम हो रहा है तो इनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है तो ये जल्दी वेपराइज होगा बॉइलिंग पॉइंट का क्या होता है हम लोग बॉइलिंग का क्या समझते हैं बॉइलिंग का समझते हैं कि लिक्विड लिक्विड से हमको कहां जाना है गैस में तो लिक्विड में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा ज्यादा होगा और गैस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो जैसे जैसे ब्रांचेस बढ़ेंगे वैसे वांडरवाल फोर्स घटेगा वांडरवाल फोर्स घटेगा तो यहां पे क्या होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी घटेगा तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा तो इस प्रकार से आपका ये बॉइलिंग पॉइंट भी खत्म हुआ और अल्कोहल और फिनॉल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज यहां पे खत्म होती है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बहुत ही क्वेश्चंस आते हैं मतलब बोर्ड लेवल ओके मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में दैट्स इट